आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नामांकन की तैयारियों को अंतिम रूप देना प्रशासन ने शुरू कर दिया है। जिला मुख्यालय में प्रत्याशियों के नामांकन के लिए बैरिकेडिंग तैयार की जा रही है। सभी नामांकन कक्षों तक पहुंचने के लिए प्रत्याशियों को बैरिकेडिंग से होकर गुजरना होगा। सी न्यूज संवाददाता विजय बघेल ने जिला मुख्यालय में तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू होगी। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। 14 से 21 जनवरी तक नामांकन प्रक्रिया होगी। इस बार जिला मुख्यालय में ही आगरा की सभी 9 विधानसभा सीटों के नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे, जिनके लिए अलग अलग अधिकारियों के जो न्यायालय हैं उनको नामांकन कक्ष बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक नामांकन कक्ष होगा जिसमें एक विधानसभा सीट के प्रत्याशी यहां से प्रवेश करेंगे। इसके साथ ही अन्य विधानसभा सीटों के प्रत्याशी इधर इस बैरिकेडिंग से घुसेंगे और उसके साथ ही वो प्रथम तल और द्वितीय तल पर जो भूतल पर जो अधिकारियों के चैम्बर हैं उनको नामांकन कक्ष बनाया गया है। इस बार नामांकन कक्ष में प्रत्याशी सहित 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको 10 प्रस्तावकों की ज़रूरत होती है तो उनके प्रस्तावक 5-5 की संख्या में एक एक बार में जाएंगे, जिससे कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो सके। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बार कोरोना गाइडलाइंस के साथ चुनाव आदर्श आचार संहिता बनाई है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट की 1000 मीटर की परिधि में प्रत्याशी सिर्फ 3 वाहनों के साथ ही आ सकेंगे और नामांकन कक्ष जहाँ से बैरिकेडिंग शुरू होगी वहाँ तक 5 लोगों को ही प्रत्याशी सहित आने की अनुमति होगी। इसके साथ ही इस बार प्रत्याशी ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, उन जिनकी स्क्रूटनी के तहत जांच की जाएगी। आपको बता दें कि 11 जनपदों की 58 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है, जिसकी नामांकन प्रक्रिया 14 से 21 जनवरी तक चलेगी। 24 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 27 जनवरी को नाम वापसी और चुनाव चिन्ह आवंटन होगा। इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया पहले चरण की समाप्त हो जाएगी और प्रत्याशी अपना चुनावी अभियान शुरू कर सकेंगे। 15 तारीख को आयोग नई गाइडलाइन जारी करेगा कि वो चुनाव प्रत्याशी उनको रैली की अनुमति होगी या नहीं होगी, रोड शो की अनुमति होगी या नहीं होगी। तमाम जो राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वे अपना हेलीकॉप्टर उतारेंगे या वर्चुअल चुनाव प्रचार करेंगे। इस सभी की घोषणा चुनाव आयोग 15 जनवरी को समीक्षा के बाद करेगा। आपको बता दें कि आगरा जनपद में अब चंद घंटे ही शेष हैं नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के लिए और नामांकन प्रक्रिया को कोरोना गाइडलाइंस के तहत संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। आप देख सकते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम के तहत ये लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, जिसके तहत यहाँ प्रत्याशियों को कोरोना गाइडलाइंस के साथ चुनावी आदर्श आचार संहिता भी बताई जाएगी। सी न्यूज ये आगरा से अपील करता है कि वे बिना अकारण कलेक्ट्रेट 14 से 27 जनवरी के बीच नहीं आएँ, क्योंकि जब तक नामांकन प्रक्रिया यहाँ रहेगी तब तक आम लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर उन्हें प्रवेश भी दिया जा सकता है तो पुलिस उनकी गहनता से जांच करेगी, पूछताछ करेगी। प्रत्याशी आमतौर पर जुलूस के साथ आते हैं, भले ही प्रशासन ने अपनी गाइडलाइन बनाई हो, लेकिन चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पहले भी प्रत्याशियों द्वारा होता रहा है। इसलिए जो MG रोड है, शहर की लाइफलाइन, इस पर जाम के हालात रह सकते हैं। इसलिए जो नामांकन की तिथि है 14 से 21 जनवरी तक, उस डेट में आगराइट्स इस MG रोड और जिला मुख्यालय पर कम ही आएँ तो वे जाम के झाम से बच सकते हैं। जिला मुख्यालय से अपने साथी इंद्रजीत के साथ विजय बघेल, सी न्यूज़ आगरा।